दोस्तों, फटाक से रेडी हो जाइए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर, क्योंकि आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मजेदार होने वाला है। सो, कहानी की शुरुआत होती है हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन रावी से, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि 7 साल पहले ही उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो अपनी छोटी सी बहन डार्वी के साथ में रहती है और उसका ध्यान रखती है। रावी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिस वजह से उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, जो कि कॉफी शॉप में काम करके ही अपना और अपनी बहन डार्वी का गुजारा करती है। लेकिन उससे भी उससे ज्यादा अर्निंग तो नहीं हो पाती है और इसलिए उसने अपने रूम का रेंट बहुत टाइम से नहीं दिया होता है, जिस वजह से उसकी लैंडलॉर्ड आकर हमेशा ही उसे खरी खोटी सुनाते हुए और टाइम पर उसे रेंट देने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही हफ्ते का टाइम दे रही हूँ और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए, यानी कि रूम का रेंट नहीं दिया, तो अपनी छोटी सी बहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाना। बेचारी रावी तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जैसे ही वो अपनी शॉप पर जाती है तो उसे रास्ते में अपनी छोटी सी बहन डावी मिल जाती है, जो कि अपने ही दोस्तों के हाथों बुली हो रही थी, जो कि उसे ये बोलते हुए वोकेशन कैंपिंग में ले जाने के लिए मना कर रही होती है कि तुम्हारे तो डैड भी नहीं है और इसलिए हम तुम्हें अपने साथ में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हम भी अपने डैड के साथ में जा रहे हैं। डावी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जैसे ही ये सारी बातें रावी को पता लगती है, वो उनके पीछे भागती है और उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है। जैसे ही वो अपनी शॉप पर पहुंचती है, सारी बातें जाकर अपने फ्रेंड योंग को बताने लग जाती है, जो कि 8 साल से उसके साथ में ही इसी सेम शॉप में काम कर रहा होता है और साथ ही रावी को बहुत ज्यादा लाइक भी करता है, लेकिन आज तक की बात उसने रावी को नहीं बताई है। यानी कि दोनों बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं, जो कि एक दूसरे की प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ में हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। योंग रावी को बोलता है कि तुम और डार्वी मेरे साथ क्यों नहीं रहने लग जाते, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ना ही तुम्हें रेंट देना होगा। लेकिन रावी उसे साफ साफ मना करते हुए बोलती है कि थैंक यू फॉर योर हेल्प, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। वहीं दूसरी तरफ डार्वी एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है और छोटी सी बच्ची को उसके डैड के साथ में हंसते खाना खाते हुए देखती है और उसे भी अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर डार्वी को डांटते हुए ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए फटाक से यहाँ से निकल जाओ, और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ तभी एंट्री होती है हमारे हैंडसम हीरो शिन की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है, यानी कि काफी ज्यादा रिच है, और उसे देखते ही वो बंदा भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से उसे बात करने लग जाता है। वो आदमी डार्वी को डांट रहा था, ये देखते ही शिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस आदमी को ही डांटने लग जाता है, उसके बाद डार्वी को बहुत सारा खाना खिलाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद डार्वी बहुत देर से खाने को ही घूरे जा रही है, हो सकता है कि उसे भूख लगी हो। लेकिन फिर डार्वी उसे बताती है कि वो तो बच्चे के साथ में उसके डैड को ही घूर रही थी, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये सुनते ही शिन भी सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में रावी डार्वी का वेट कर रही होती है और उसने तो उसके फेवरेट फ्राइड चिकन भी ऑर्डर किए हुए होते हैं, लेकिन डार्वी आज काफी ज्यादा लेट हो गई थी, तो इसलिए उसे उसकी काफी चिंता भी होने लग जाती है। जैसे ही डार्वी घर पहुंचती है, बोलती है कि आज तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है और मैं ये तुम्हारे लाए हुए फ्राइड चिकन अभी नहीं खा सकती हूँ। रावी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सुबह जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा उसे तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर डार्वी उसे बोलती है क्या तुम्हें डैड चाहिए। रावी को लग रहा होता है कि शायद डार्वी मजाक में ये सब बोल रही है और वो भी मजाक में हाँ बोल देती है। फिर क्या ही होना था, नेक्स्ट डे अपना हीरो हीरोइन की शॉप पे पहुंच जाता है और जाके उस पे बम फोड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शिन आखिरकार ये सब कुछ कर क्यों रहा है। शिन को एक डॉटर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि रानी ने मरने से पहले अपनी विल में ये लिखा था कि उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और उनके सारे शेयर्स दोनों फैमिलीज की बेटियों के नाम हो जाएंगे, यानी कि अंकल की बेटी और शिन की बेटी। लेकिन शिन की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी और इसलिए उसके अंकल सारी की सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। कंपनी को बचाने के लिए शिन को 2 महीने में ही एक बेटी को अडॉप्ट करना था और इसलिए वो डार्वी को अडॉप्ट करना चाहता था।
रावी वॉज लाइक कि लड़का तो दिखने में सही सलामत लग रहा है, तो फिर ये इतनी उलझुल बातें क्यों कर रहा है? लगता है कि शायद इसके दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम होगी। वेल, तो उसने रावी को एग्रीमेंट भी दिया हुआ होता है, साथ ही ये भी बोला हुआ होता है कि सोच के आराम से इस पे साइन कर देना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रावी को तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ये सारी बातें जब वो योंग के साथ में शेयर कर रही होती हैं, योंग बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये बंदा तुम लोग की हेल्प करने के लिए कहाँ से टपका, और हम तो इसे जानते भी नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहता होगा? जरूर इसके पीछे इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। मुझे तो ये इंसान फ्रॉड लग रहा है और तुम्हें भी इसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें और डावी को उसके घर में जाकर रहना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो बंदा मुझे फेक लगता है। रावी वॉज लाइक कि सही बोल रहे हो तुम, मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ही वो डावी को लेकर शिन के घर में पहुंच जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी जिससे कि वो अपने रूम का रेंट भर सके और डावी का खर्चा भी उठा सके, और इसलिए वो शिन के साथ रहने के लिए पहुंच जाती है। और उसका घर देखकर तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा था और वो उस घर में अकेला ही रहता था। शिन भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग ऊपर जाके रूम में आराम से रह सकते हो। धीरे धीरे वक्त ऐसे बीतता जाता है, तीनों साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि लॉन्ड्री के कपड़ों की तह बनाते टाइम पर रावी शिन के अंडर गार्मेंट्स को भी सही से रखने लग जाती है, और शिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। नेक्स्ट डे शिन ने रावी के कॉफी बॉक्सेस को डस्टबिन में कचरा समझकर ही फेंक दिया था, जो कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए थे, जिसे उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जिसके बाद शिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है अपने लैपटॉप से, लेकिन रावी बहुत जोर जोर से फोन पर बात करने लग जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट सीन में रावी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन शिन ने उसके मिल्क को ही फेंक दिया होता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन रावी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि एक्सपायर हुआ प्रोडक्ट भी अगर फ्रिज में रखा है तो वो उसके बाद भी एक हफ्ते तक खाया जा सकता है। और ऐसे ही दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती है, और इसलिए ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। रावी शिन से बात कर रही होती है और अचानक से उसके पीछे एक बटरफ्लाई को देखती है, जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन अपना हीरो भी कहाँ ही कम था, वो तो रावी से भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको भी बटरफ्लाई से बहुत ज्यादा डर जो लगता था। दोनों यहाँ वहाँ भागते हैं और फाइनली उसे वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन गलती से स्लिप होकर एक दूसरे के साथ ही बेड पर गिर जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा एक रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के घूमने लग जाते हैं, रावी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे ये सारी बातें रावी फोन पे योंग को बताने लग जाती है, लेकिन ये जाने के बाद कि वो शिन के साथ में रहती है, योंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलसी फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोलता। और देखते ही देखते अचानक से शिन के अंकल वहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ पहुँच जाते हैं। रावी को देखते ही बोलते हैं कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर शिन के घर में क्या कर रही है। शिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ही अंकल बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, शिन बोलता है नहीं ये मेरी मेड है, क्योंकि वो अपने अंकल से सब कुछ छुपाना चाहता था और उनके सामने कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता था। और अंकल ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और साथ ही अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि इन दोनों के ऊपर नजर रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वह सारे रूमर सच हैं। शिन मेड बोलने के लिए रावी से माफी मांगने लग जाता है, और रावी भी उसे बोलती है कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, रावी को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही रावी योंग से जाकर मिलती है, योंग उसे बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि वो शिन के साथ में रहती है और साथ ही उसे उसके साथ में रहने के लिए मना भी कर रहा होता है। लेकिन रावी बोलती है कि मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। योंग उसे एक बैग देकर वहाँ से जाने लग जाता है, जिसमें मच्छर और मक्खियों को मारने का इलेक्ट्रिक रैकेट होता है, साथ ही और इलेक्ट्रिक मशीन भी होती है, जिससे कि उसे किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप से ही वो सबको मजा चखा सकती है। रावी इन सबको देखकर मुस्कुराती रहती है, जिसके बाद जाकर वो योंग को भी मनाने लग जाती है, जिससे कि वो भी मान गया था उसकी हरकतें देखकर। नेक्स्ट सीन में रावी शिन के साथ में होती है, डावी भी इनके साथ में होती है, बहुत अच्छी अच्छी सबके बीच में मस्तियां चल रही होती हैं, और रावी को यह शिन काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था।
साथ ही वो रावी को बताने लग जाता है कि उसके भी पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी गिरानी ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसलिए वो अब उनके बिजनेस को संभाल रहा है जिसे कि उसके अंकल हड़पने की फिराक में है। लेकिन रावी उसे बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। ये सुनते ही शिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वहाँ कोई तो था जो कि उनपे नजर रखे हुआ था और उनकी फोटो भी खींच रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल का ही सेक्रेटरी था। नेक्स्ट सीन में रावी खूब सुंदर से सच धज कर अपनी एक फ्रेंड की वेडिंग में जा रही होती है। जैसे ही वो नीचे आती है शिन तो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद उसे भी रावी काफी अच्छी लगने लग गई है। जिसके बाद शिन अपने फ्रेंड सैम से जाकर मिलता है जो कि उसका सेक्रेटरी भी है और रावी और डावी के साथ निर्मित आए हुए सारे खूबसूरत फलों के बारे में बताते हुए काफी खुश हो रहा होता है। सैम भी उसे खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल चुके हो, शायद ये उन दोनों लड़कियों का ही कमाल है। जिसके बाद उसके पास एक कॉल आती है और वो सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं रावी उनके साथ में होती है, दोनों वेडिंग से वापस आ रहे होते हैं, साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। लेकिन हील्स के चक्कर में रावी के पैरों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन योंग ने दो एक्स्ट्रा स्लीपर्स अपने पास में रखे हुए थे जिसे देखकर रावी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है। लेकिन योंग उसे बहाना मारते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो मैं हमेशा ही अपने पास रखता हूँ इमरजेंसी के लिए और बहुत ही प्यार से उसे पहनाने भी लग जाता है। जैसे ही रावी अपना फोन देखती है काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी और शिन वाली वो फोटो वायरल हो चुकी थी जो कि उसके अंकल के सेक्रेटरी ने खींची थी और यही वो रीजन था कि शिन और उसका दोस्त सैम भी उस टाइम पर काफी घबरा गए थे वो फोन कॉल सुनते ही। रावी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए यांग उसे अपने साथ शिन को छोड़कर चलने के लिए बोलता है। लेकिन रावी तो बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके चक्कर में शिन की कंपनी ही उससे ना छिन जाए। जहाँ जाना शिन भी पहुँच जाता है और रावी से बोलता है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जहाँ योंग भी उससे लड़ते हुए बोलने लग जाता है कि बिजनेस के बहाने रावी का यूज करना बंद भी कर दो, रावी और डावी अब मेरे साथ ही रहेंगी और मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे इस तरह से प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। ये सुनते ही रावी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। शिन भी उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं ये डॉटर और फादर वाला अग्रीमेंट तोड़कर रावी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बेचारी रावी तो दोनों लड़कों के बीच में फंस चुकी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। शिन रावी से ये बोलकर घर के अंदर जाने लग जाता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद रावी के ये पूछने पर कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो गया, योंग फाइनली अपना लव कन्फेशन उसके सामने करते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हें 8 साल से ही बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ लेकिन ये बात मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया। रावी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ जो कि हर दुख और सुख में मेरे साथ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा दोस्त बन के ही रहें और मैं इतने अच्छे दोस्त को नहीं खो सकती हूँ। ये सब को सुनकर बेचारे योंग का तो दिल बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद रावी भागते हुए अंदर जाती है शिन के पास और जिसे देखते ही शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और फिर धीरे धीरे तुम्हारे साथ में रहते हुए मुझे न जाने कब ही तुमसे प्यार हो गया और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शिन की बातों से रावी का दिल भी जोर जोर से धड़कने लग जाता है और वो तो उसे डायरेक्ट जाकर किस ही कर लेती है। शिन उसे बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अंकल के कारण कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है जिसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, रावी भी अपने काम पर वापस पहुंच चुकी थी। शिन ने भी अपनी डूबती हुई कंपनी को अपने स्किल्स एंड नॉलेज के दम पे बचा लिया था और अपने अंकल को हरा दिया था। वहीं डावी भी दोबारा से उन दोनों बच्चों के साथ में होती है जहां शिन पहुंचाता है, बोलता है कि सॉरी बेटा मैं डावी को अपने साथ में लेकर जा रहा हूं क्योंकि कैंपिंग साइट को मैंने पूरा ही बुक कर लिया है। ये सुनते ही दोनों बच्चों का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और काफी सैड होते हैं कि काश उन्होंने डावी के साथ में अच्छे से फ्रेंडशिप की हुई होती। लास्ट सीन में रावी भी अपने कैफे में होती है जहां पर अचानक से अपना हीरो जबरदस्त एंट्री मारता है जिसे देखते ही रावी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली वो वहां पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने लग जाता है। ड्रामा के नाम की तरह ही हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है।
तो गाइस ये कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो कि अपने बचपन के दोस्त या फिर हम कह सकते हैं कि किस्मत और कुदरत से मिले एक अनजान लड़के को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, और गॉड भी उसकी इस तरह से सुन ले दे है कि उसके बचपन का वो मिस्टीरियस फ्रेंड अचानक टीवी से बाहर आ जाता है, जो कि आपको सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा। लेकिन 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 जब तक मैं हूँ आपको फिक्र करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ कि इस कहानी की स्टोरी कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट लेने वाली है और कैसे कैसे राज है इसमें। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन युमी से, जो कि गेमिंग कंपनी में काम करती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कब आपकी खुशियों को अचानक से नजर लग जाए ये तो कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ युमी के साथ हुआ। जिस कंपनी में हमारी हीरोइन अपना खून पसीना एक करके काफी टाइम से काम कर रही थी, तो आज उसे उसका फल यानी कि प्रमोशन मिलने ही वाला था, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे ही वो ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम लीन है, युमी का प्रमोशन उसे मिल गया है युमी की जगह, क्योंकि भाई लीन का तो बॉस के साथ में चक्कर चल रहा था। ये सुनते ही युमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, आखिरकार बुरा तो लगना ही था जब आपकी मेहनत का फायदा कोई और उठा कर ले जाए। वेल तो हमारी हीरोइन अब उदास होकर अपने घर में बैठी हुई होती है और एक प्यारी और खूबसूरत से किचन से विश कर रही होती है, जहाँ वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बचपन का प्यार वापस मिल जाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, जब युमी छोटी थी और अपने स्कूल टाइम में थी, तो वहाँ पर कुछ आवारा लड़के उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, और वो हीरो की तरह आकर ही युमी को बचा लेता है, जिसका नाम युआन है। और जिस किचन से युमी प्रे कर रही होती है, वो किचन भी युमी को युआन नहीं दिया था, जो कि उसके बैग में लगा हुआ था। युमी युआन को देखकर पहली नजर में ही प्यार कर बैठती है, और इसलिए आज तक युमी सिंगल है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं हमारे हीरो की तरफ, जहां युआन एक कॉमिक बनाने वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन युआन अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है, वो 2 साल से कॉमिक लिख रहा होता है और अब तक उसने बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। युआन अपने सीनियर के साथ मीटिंग में होता है, जहां उसके सीनियर को उसकी कॉमिक काफी अच्छी लगती है। ये सुनकर तो उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता है कि तभी उसके सीनियर उसे उसकी कॉमिक को फटाक से खत्म करने के लिए कहते हैं। युआन अपने घर पर कॉमिक को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी कॉमिक का एक खूबसूरत सा क्लाइमेक्स कैसे लिखे, जो कि उसकी ऑडियंस को और उसके सीनियर को काफी पसंद आए। युआन फिर गुस्से में टीवी का रिमोट उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन टीवी को कोई नुकसान होने की वजह वो रिमोट उसके अंदर ही चला जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जैसे ही वो टीवी में हाथ डालता है तो अचानक से उसी टीवी की वजह से वो युमी की टीवी से निकलकर उसके घर में पहुंच जाता है। यहाँ वहाँ वो देखने लग जाता है कि आखिर वो कहाँ पे पहुँच गया है, जहाँ वो युमी के टीवी से वापस आने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता है और वो वहीं पर फंस कर रह जाता है। और अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए वो उसके घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर युमी अपने दोस्त के साथ में मार्केट से लौट रही होती है। वो युआन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके हाथ से संतरे की थाली भी गिर जाती है, जिसे उठाने में युआन उसकी हेल्प करता है। वहीं हम मिलते हैं युमी के फ्रेंड क्रिश से, जो कि एक जाना माना एक्टर है, और वो भी उनके बीच में आकर उन्हें उठाने लग जाता है। क्रिस युमी को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ये बात उसने अभी तक उसे बताई नहीं थी। युमी घर पर बैठकर युआन के बारे में सोच रही होती है कि वो लड़का युआन ही था ना, क्या मैं उससे जाकर पूछ सकती हूँ कि वो कौन है, और उसको लेकर युमी के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ युआन रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड देखता है जिसमें लिखा हुआ था 2020, और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो 2015 से 2020 में आ गया है, जिसका साफ मतलब यही हुआ दोस्त कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। ये ड्रामास में टाइम ट्रेवल करना कितना इजी हो गया है ना, ये सोचकर कहीं आप लोग भी टीवी में घुसने का मत सोचना, वरना मम्मी से चप्पल से मार खाओगे और फिर ये बोलोगे कि मैंने पिटवाया है। वेल तो युमी फिर अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी डोर बेल बजती है, और जितनी स्पीड से वो दरवाजा खोलती है उसे दुगनी स्पीड में युआन को देखकर तुरंत से बंद कर देती है, और अंदर आकर मस्त मेकअप लगा लेती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। युआन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जैसे ही वो अंदर आता है तो युमी तो बस उसे घूरती ही रह जाती है, जिससे कि युआन थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और फिर युमी को अपनी सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं।
जहाँ पहले तो युमिको उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसे थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम दोंगसंग सिटी से हो। युआन भी हामी भरता है और कहता है कि तुम कैसे जानती हो। और ये सुनते ही तो भाई हमारी हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी और उसके चक्कर में वो अभी तक सिंगल थी, युआन ही वही लड़का था। जिसके बाद दोनों मिलकर टीवी को संभालते हैं, क्योंकि युआन अपने टाइम में वापस जाना चाहता था, लेकिन वो तो और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। युमी युआन को ये कहकर वहीं पर रोक लेती है कि मैं कल टीवी रिपेयरिंग वाले को बुलवा कर इसे अच्छे से ठीक करवा देती हूँ। तो अब कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से और ना ही कोई और जगह होने की वजह से युआन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर रुक जाता है। रूम में आने के बाद तो युमी पागल सी हो जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे उसका बचपन का प्यार जो मिल गया था। वो सोचती है कि आज का दिन उसका कितना ज्यादा अच्छा रहा है ना। वैसे मैं कहूँ तो रात अच्छी थी, क्योंकि दिन में तो बेचारी का प्रमोशन किसी और को ही मिल गया था। जिसके थोड़ी देर बाद ही युमी युआन को नहाने के लिए भेज देती है, साथ में उसे टॉवल भी पकड़ा दिया। और जैसे ही युआन जाता है बाथरूम में तो युमी को याद आता है कि उसकी कुछ पर्सनल चीजें वहाँ पर रखी हुई है, और अगर युआन ने उसे देख लिया तो भाई यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी। वो चुपके से बाथरूम में घुस जाती है, अपना सारा सामान लेकर बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी युआन भी नहाकर बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, जैसे कि भाई कोई भूत ही देख लिया हो। वैसे ये भूत देखने से ज्यादा डरावना था। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों को उनके बचपन का प्यार दोबारा मिला है, और आप में से कितने लोगों को बचपन में ही प्यार हो गया था। युमी युआन के पास धीरे से आती है और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है, और युआन भी आराम से सो रहा होता है। वापस से हमारी हीरोइन उसके पास आती है और वहीं बैठकर उसे घूरने लग जाती है, और देखते देखते ही वहीं सो भी जाती है। और जैसे ही युआन की सुबह आंखें खुलती हैं, उसे देखकर काफी चौंक जाता है। झट से जैसे ही वो उठता है तो युमी भी उसकी आवाज सुनकर उठ जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर टीवी रिपेयरिंग वाला आता है और कहता है कि ये टीवी काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और इसके पार्ट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं, तो इसे ठीक करने में हमें कम से कम 1 मंथ लग जाएगा। लेकिन फिर युमी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसे 15 दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन कुछ कम नहीं थी, मौके पे चौका मारते हुए युआन को कहती है कि ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही कहीं रहने की जगह, तो क्यों ना तुम मेरे साथ यहीं इस घर में ही 15 दिन के लिए रुक जाओ। और अब बेचारे हीरो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे ये बात माननी पड़ जाती है। और उसके बाद ऑफिस जाने पर लिन जान पुझ को युमी को 1 मंथ का काम 1 डे में कंप्लीट करने को कहती है। बेचारी हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि पहले तो इसने उसका प्रमोशन छीन लिया और अब उसे इतना सारा काम करने को कह रही है। घर जाकर युमी काफी परेशान होती है और रोने लग जाती है, और युआन के पूछने पर उसे बताती है कि उसे कल ही प्रेजेंटेशन देनी है और अभी तक उसका आधा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। युमी को इस तरह से रोते हुए देखते हुए हमारे हीरो का दिल पिघल जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए बोल देता है। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ और ही होता है, युमी का सारा ध्यान काम की वजह युआन पर होता है और उसे ही घूरने लग जाती है, जिस पर युआन कहता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। जहाँ बहाना बनाते हुए युमी कहती है कि रात में लेट नाइट तक काम करने से फेस खराब हो जाता है, और साथ ही उसे एक लोशन भी लाकर पकड़ा दिया। लेकिन भाई अब एक हाथ से हमारा हीरो फेस पर लोशन कैसे ही लगाता, तो इसलिए युमी उसकी हेल्प करती है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन को देखकर तो सब शॉक हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन भाई लीन के मुंह पे तो 12 बज जाते हैं, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर तो युमी की बेइज्जती ही नहीं हो पाई। जिसके बाद थैंक्स बोलने के लिए युमी युआन को अपने साथ में खाने पर लेकर जाती है, उसका हाथ पकड़कर थैंक्स उसे बोल रही होती है कि युआन भी उसे बहुत गौर से देखने लग जाता है, और उसका हाथ छोड़ने के बाद उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने स्कूल टाइम में किसी लड़की की हेल्प की है। जहाँ पर युआन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, जिससे कि हीरोइन थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी थी, और इन्हें देखकर तो युमी अपने बजट के बारे में सोचने लग जाती है कि वो खाने पर इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकती है। जहाँ पर तभी युआन आकर एक फ्रूट को उठा लेता है जो बहुत ज्यादा महंगा था। खाने के बाद फिर दोनों उस फल का स्वाद ले रहे होते हैं कि तभी युमी के पास उसके मकान मालिक की कॉल आती है और वो रूम रेंट मांग रहा होता है। जहाँ युमी उसे समझाते हुए कहती है कि फिलहाल तो उसके पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में सारे पैसे दे दूंगी। ये सारी बातें युआन भी सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, युमी अपने ऑफिस में होती है, उससे अपनी बजट की काफी चिंता हो रही होती है, तो इसलिए अपने लीडर के पास जाकर उनसे थोड़ा सा एडवांस मांग लेती है। और उसके बाद युआन को कॉल करती है, लेकिन युआन उसका फोन पिक नहीं कर रहा होता है। वो घर जाकर भी चेक करती है, लेकिन युआन वहाँ पर भी नहीं था।
फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि जब युमी युआन के घर के बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी, तो उसे एक लड़के से पता चला था कि युआन ने शिफ्टिंग कर ली है और अब वो ये घर छोड़कर जा चुका है। साथ में ही उसने युमी के लिए एक कीरिंग भी छोड़ा था और इसी वजह से वो काफी डर रही होती है। ये सोच रही होती है कि शायद युआन फिर से उसे छोड़कर चला गया है। वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। काफी समय बीत जाता है और उसके बाद वो सामने से युआन को आते हुए देखती है। उसे काफी गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। दोनों घर आ जाते हैं जहाँ युआन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जॉब ढूंढने के लिए गया था। साथ ही उसे माफी भी मांगी क्योंकि उसकी चक्कर में वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन हमारी हीरोइन तो मौके पे चौका मारना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और युआन से कहती है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे कुछ और देना पड़ेगा। युमी के कहने पर युआन आंखें बंद भी कर लेता है और जैसे ही युमी उसे किस करने वाली होती है, टिंग टोंग डोरबेल बज जाती है। नेक्स्ट डे दोनों ब्रश कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे, जहां दोनों को लगता है कि वो शायद एक दूसरे की नकल उतार रहे होते हैं। लेकिन तभी टिंग टोंग फिर से बेल बज जाती है। जैसे ही युमी दरवाजा खोलती है, सामने होता है क्रिस। वो फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और जाकर सबसे पहले अंदर युआन को छुपा देती है। लेकिन क्रिस को शक हो गया था कि युमी कुछ तो छुपा रही है और पूरे घर में घुस घुस कर छानबीन करने लग जाता है और हमारी हीरोइन उसे कुछ न कुछ बहाना करके वहाँ से भगा देती है। क्रिस के जाते ही युआन बाहर आता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। लेकिन युमी कहती है कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरे बचपन का एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वहीं फिर क्रिस भी अपनी शूटिंग पर होता है जहाँ युमी के घर के बारे में सोचने लग जाता है कि वहाँ कोई ना कोई तो जरूर था। और यहाँ युआन का भी यही हाल था, वो तो यही सोच में पड़ा हुआ था कि युमी से आखिरकार वो क्रिस के बारे में कैसे पूछे। और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो युमी को काफी पसंद भी करने लग गया था, यहाँ तक कि उसे तो क्रिस से भी जलन होने लग गई थी। लेकिन तभी फिर से बेल बजती है, युआन गेट खोलता है जहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारे क्रिस भैया होते हैं। और उसे देखकर वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और युआन से फालतू सवाल करने लग जाता है। युआन भी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता जिससे कि क्रिस और ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, युआन और युमी बैठे हुए होते हैं कि तभी युमी देखती है कि उसके ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में बहुत ही कम वोट मिल रहे होते हैं। ये सब कुछ क्रिस ने भी देख लिया था। वो युमी को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कराओके चलोगी तो मैं अपनी पॉपुलैरिटी से तुम्हारे वोट बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। और ये सुनते ही युमी काफी खुश हो जाती है, रेडी भी हो जाती है जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है, देखती है कि भाई युआन तो वहाँ पर पहले से ही रेडी होकर खड़ा हुआ है और वो भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, जहाँ पहले तो युमी मना करती है लेकिन युआन उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद क्रिस के साथ होते ही युमी के वोट बढ़ने लग जाते हैं और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और इसी चक्कर में वो क्रिस को काफी अटेंशन देने लग जाती है। लेकिन ये बात हमारे हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जहाँ वो गाना गाने लगता है कि तभी क्रिस भी युआन से माइक छीनने लगता है। दोनों में माइक के लिए फाइट होने लग जाती है। ये देखकर युमी परेशान होकर रूम से ही बाहर आ जाती है। लेकिन भाई ये दोनों कहाँ ही मानने वाले थे। दोनों लोग गाना गाकर एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं और वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ युआन युमी को साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जिससे कि दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और उनको देखकर बेचारी हमारे हीरोइन में पर बैठ जाती हैं। लेकिन उन दोनों की बहस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट डे युमी युआन से बहुत ज्यादा नाराज होती है, वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो तो उसे बात ही नहीं कर रही होती है, सीधा उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही युआन खुद से कहने लग जाता है कि तुम तो जानती भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जैसे ही फिर युमी ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जो वोट उसे कल मिले थे वो सारे के सारे नकली थे और उसके वोट इसलिए फिर से जीरो हो गए हैं, जिससे कि युमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये बात युआन को भी पता चल गई थी। जहां पर तभी एक आदमी उसके पास रोते हुए आता है और बताता है कि अगर ऑडिशन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोगों को कन्विंस किया होता तो शायद आज मेरी गर्लफ्रेंड ऑडिशन में जीत जाती। ये सुनकर युआन के मन में भी एक आइडिया आता है और वो अपनी शॉप पर जाकर युमी को वोट दिलाने के लिए लोगों को कन्विंस करने लग जाता है कि अगर उन्होंने उसे एक वोट दिया तो उन्हें फ्री में चॉकलेट मिलेगी, जिससे कि उसका ये आइडिया काम भी करने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और वो कहता है कि शायद आप ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हो ना। ये न्यूज़ धीरे धीरे वायरल हो जाती है जो कि युमी भी देख लेती है। वो सीधा युआन के पास आती है, दूर से उसे देखती है जहाँ युआन सबके सामने झुककर युमी के लिए वोट मांग रहा होता है। ये सब कुछ देखकर युमी को फिर से अपनी पिछली बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह से युआन ने उसे उन आवारा लड़कों से बचाया था और वो हमेशा उसकी हेल्प करता था और आज भी उसी की वजह से ही वो ऑनलाइन कंपटीशन जीत जाती हैं।
युमी जीत की खुशी में युवान को ट्रीट देती है और उसे पूछती है कि उसने सबके सामने ये क्यों कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और अगर लोगों को पता चल गया कि वी आर नॉट अ कपल तो मेरे और फिर से जीरो हो जाएंगे और लोग मुझे फिर से झूठा समझ लेंगे, तो क्यों ना तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये कहते ही वो उसे किस कर लेती है, लेकिन ये तो बस सिर्फ हमारे हीरोइन की इमेजिनेशन ही थी, सच नहीं था। नेक्स्ट डे टीवी रिपेयरिंग वाला आता है और युवान को बताता है कि आपकी टीवी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो युवान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो युमी के बारे में सोचकर दुखी होने लग जाता है। रात के टाइम में युमी को अपनी कंपटीशन के फाइनल राउंड की काफी टेंशन हो रही होती है, तो इसलिए युवान उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर युमी युवान को बचपन में उसका दिया हुआ किचन दिखाती है और उसे सारी बातें बताते हुए अपने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये सब को सुनने के बाद भी युवान उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे कि बेचारी हीरोइन उदास होकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी युवान युमी को अपने पास खींचता है और उसे पूरे दिल से किस करता है। ये बात क्रिस को भी पता लग गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और युमी के घर पहुँच जाता है, जहाँ युवान को देखकर उसे मारने भी लग जाता है। बेचारा युवान मार खाकर बेड पर ही गिर जाता है। जहाँ क्रिस उसे उठाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि युवान के चेहरे से तो कुछ अजीब तरह की रेडिएशन निकल रही होती हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि अब वो अपने समय में लौटने वाला है। क्रिस ये सब देखकर युमी को फटाक से कॉल करता है, लेकिन युवान उसे रोक देता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी सारी कहानी भी उसे बता देता है, जिससे कि क्रिस को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। जहां क्रिस उसे जल्दी जाने को कहता है, युवान उसे कहता है कि उसने युमी के फाइनल कॉम्पिटिशन में साथ जाने का वादा किया था और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। वही युमी अपने फाइनल राउंड के शुरू होने से पहले थोड़ी नर्वस हो रही होती है, जहाँ पर वही रिपोर्टर आकर युमी से पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ गया। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो युवान को मैसेज करती है, लेकिन उसका तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, जिसका युमी को काफी बुरा भी लगता है। और थोड़ी देर बाद युमी अपना फाइनल परफॉर्मेंस देने लग जाती है और अपनी और युवान से सारी जुड़ी बातें वो एक बुक के जरिए सबको बताती है कि युवान हमेशा कॉन्ग की तरह ही रहा है और इसलिए उसने अपनी बुक का नाम कॉन्ग रखा है। कि तभी कॉन्ग के गेटअप में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। युमी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और जल्दी से भागकर उसके गले लग जाती है और उसके गेटअप को निकालने लगती है, लेकिन वो तभी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस था, जिससे कि वह फिर से उदास हो जाती है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि शायद वो युवान है। क्रिस उसे फिर बताता है कि युवान के पास ज्यादा टाइम नहीं था और इसलिए उसने मुझे यहाँ पर आने को कहा। ये सब कुछ सुनकर युमी फटाक से भागते हुए घर पहुँचती है और युवान को ढूंढने लग जाती है, जहाँ वो देखती है कि युवान शायद अपने टाइम में वापस जा चुका है। वहाँ वो उसे याद कर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है फूट फूट कर। फिर बहुत टाइम बीत जाता है, फाइनली फिर उसका प्रमोशन भी हो गया था और वो डायरेक्टर भी बन जाती है, लेकिन आज भी वो युवान को भुला नहीं पाई थी। ऑफिस के बाद फिर वो क्रिस से मिलने के लिए उसके सेट पर जाती है, जहाँ फिर उसे एक आदमी पीछे से युवान की तरह ही लग रहा था, और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो युवान नहीं है, जिससे कि वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। युमी खाना खा रही होती है और युवान के बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से टिंग टोंग बेल बज जाती है, लेकिन दोस्तों ये बेल अच्छे के लिए ही बजती है। जैसे ही युमी दरवाजा खोलती है, वहाँ पर उसका पड़ोसी आकर उसे एक प्यारा सा केक देता है, क्योंकि ये युमी और युवान की पहली लव एनिवर्सरी जो होती है। युमी केक ले लेती है कि तभी उसका पड़ोसी उससे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर एक रूम खाली है क्या, तो क्या तुम वो रूम मेरे दोस्त को दे सकती हो। जिससे कि युमी साफ इनकार कर देती है कि तभी वो आदमी युमी को जबरदस्ती एक बैग पकड़ाकर चला जाता है, और जैसे ही युमी उस बैग को खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो युवान की लिखी हुई कॉमिक होती है, जिसमें युमी और युवान के साथ बिताए सारे पलों और उनकी पूरी कहानी के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसे युवान की याद आने लग जाती है कि तभी फिर से बेल बजती है। जैसे ही युमी डोर ओपन करती है, वो देखती है कि युवान उसके सामने खड़ा था। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि युमी का पड़ोसी अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि युवान ही है। युमी तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, उसकी तो आंखों से ही आंसू टपकने लग जाते हैं, और इस तरह से हमारी इस दिलचस्प सी लव स्टोरी का खूबसूरत सा दी एंड हो जाता है, जो कि शायद आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं।